जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मॉर्निंग का व्यू दिखाया मैंने छत से, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद मैं अपना काम वाम करके और आ गई किचन में और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ नाश्ता सुबह सुबह। और दूध था तो सोचा सेवई बना दे, और सब्जी है फूल गोभी आलू का सब्जी है। तो जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे गर्म पानी लेके बैठी हूँ, नाश्ता बस होने ही वाला है, सिर्फ पूरी बना दूंगी बच्चों को खिलाने के लिए। और टाइम देखिए 15 मिनट बाकी है 7 बजने में, तो पानी फटाफट पी के जा रही हूँ बना के खिला दूंगी, क्योंकि 7:30 बजे उन लोगों को निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं प्रीति को कपड़ा पहनाऊँगी और प्रीति यहाँ पे बैठी है, ये देखिए नहा के। चलती हूँ फटाफट से रेडी करा दो, फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ, और आज नाश्ते में है सेवई पूड़ी और सब्जी है। तो बच्चों को पहले बना कर दे दूँगी और टिफ़िन भी दूँगी उनको, पूड़ी ही दूँगी। तो फटाफट से बना लेती हूँ और बच्चों लोग को रेडी करा दी हूँ। सिवा तो खुद हो जाता है, प्रीति को थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है, उसको पहना देना पड़ता है कपड़ा उपड़ा। तो अभी छोटी है तो उसे मैं पहना दी कपड़ा पहना के, उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ, बना दूँगी पूड़ी। तो पूड़ी बना लिया है, थोड़ा सा ही बनाया बच्चों के लिए बस, और बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं सेवई पूड़ी और सब्जी निकाल दूंगी और दोनों बच्चों को दे दूंगी खाना खाने के लिए, तो वो खा लेंगे। उसके बाद स्कूल भी जाना है, 7:30 बजे उनको स्कूल निकलना पड़ता है। सिवा पिटू आ जा खाना खाने, आप ये हटा टेबल आगे करो। पिटू आप ही आइए, सिवा पिटू। तो यहाँ पे सिवा और पिटी खाना खा लेंगे, और ये सिवा रेडी हो गया, पिटू जल्दी आइए। तो यहाँ पे मैं प्रीति को पहना दूंगी जूता मोजा, और यहाँ पे लोग खा लिए हैं पूरी, अब से वही खा रहे हैं। तो बेटी को फटाफट से पहना देती हूँ और सीधा खुद पहन लेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, अगर मेरा मम्मी का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बाय 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 तो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल चले गए, 7:30 हो गया, देखिए पूरा 7:30 में निकल गए हैं। और अभी इतना धूप निकल गया है, ये देखिए मेरा मुंह पे भी धूप आ गया है, सुबह सुबह ही धूप आ जाता है। तो चलिए बच्चे लोग ने खाना पीना खाया है, उसको ले चलते हैं, धो लेते हैं, थोड़ा सा चाय बना के पियेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जब बेटी के पापा आ जाएंगे। और यहाँ पे इसको देखिए कबूतर, देखती हूँ इसको भी कुछ दे दूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना मेहंदी दिखा रही थी, देखिए कैसा हुआ है। लगाने आता नहीं, बस ऐसे ही लगा लेती हूँ कभी कभी जब मन करता है तो। और यहाँ पे और यहाँ ये पीटी पापा सुबह सुबह लेके आए थे साग, लाही साग है ये, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है ये, तो इसका बहुत अच्छा खुशबू होता है बनाने से। तो इसको चटनी भी बनाया जाता है, तो ये अभी थोड़ा बड़ा पत्ता है तो किसी और दिन बनाऊंगी। तो आज बनाएंगे साग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस लहसुन और हरी मिर्च देके और साग बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं साग को साफ़ कर लूँ, उसके बाद धो धा के काट के और बनाएंगे खाना। तो यहाँ पे मैं बंद गोभी और आलू भी काटी हूँ, इसका भी सब्जी बनाऊँगी और साग बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए लहसुन और हरी मिर्च, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तेल में, तो बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर आएगा। लहसुन अच्छी तरह से भून जाए एकदम ब्राउन टाइप का। तो देखिए भून गया है, अब इसमें मैं साग डाल दूँगी और साग डाल के इसे ढक दूँगी, कम हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाता है गल के। तो इसमें और कुछ नहीं, बस हल्दी और नमक डाल दूँगी और साग बन जाएगा। फिर इसी कढ़ाई में फिर बाद में मैं बना लूँगी बंद गोभी आलू की सब्ज़ी भी बना लूँगी। और यहाँ पे सब्जी धो रही हूँ, आलू और बंद गोभी जो काटी हूँ ना वो धो लूँगी, और देखती हूँ दाल बनाऊँ कि नहीं। तो चलिए आप सब ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साग में नमक डालती हूँ और डाल दूँगी हल्दी और कुछ नहीं, बस अब इसे ढक ढक के भूनना है। इसमें पानी है तो पानी को सुखा दूँगी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए साग बन गया है, बहुत अच्छा से बन गया है। और अभी सर्दियों में तो साग आएंगे, बहुत अच्छा लगता है साग और भात खाने में, गर्मा गर्म साग और भात। तो यहाँ पे हो गया है, उसके बाद खाना वाना बन गया और यहाँ पे बैठ गया। बेटी आ गई, आ गई, अरे बोली। तो फ्रेंड्स ये है सीधा शाम का टाइम, बीच में खाना वाना खाया, झाड़ू और वो सब नहीं खाया था। उसके बाद यहाँ पे शाम को नाश्ता बन रहा है मैगी, और अभी पीटी पापा भी है तो बोले चाय बनाने के लिए। तो ये देखिए चाय बना रही हूँ, और अभी कुछ दिनों से ये कप था घर में, तो मैं रोज इसी में पी रही हूँ, अच्छा लगता है पियो फेको। तो दो ठो निकाल लिया, एक पीटी पापा के लिए और एक मेरे लिए, और यहाँ पे मैगी निकाल दूँगी, तो थोड़ा सा पीटी पापा को भी दूँगी तो वो खा लेंगे, फिर उसी में थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर निकाल दी हूँ, पूरा 3 पैकेट मैगी बन गया था, तो इन लोगों को थोड़ा सा मैगी देने से नहीं होता है, ज़्यादा मैगी चाहिए, तो पूरा 3 पैकेट बना दिया। तो ये देखिए निकाल दिया, और यहाँ पे चाय डाल ली हूँ और चलती हूँ, और पीटी पापा को भी दे देती हूँ, और मैं भी पी लूँगी चाय, शाम का चाय। तो आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स चाय और मैगी खाने। तो चलती हूँ, दे देती हूँ। और फ्रेंड्स आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और मिलेंगे नए और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मम्मी एक साथ हैंगे।